यस गुड मॉर्निंग टेंसी बेटा आपा कल बहुत अथक शब्द कर रहे सी ठीक है 65 आपा कर ले सी आज आपा अगले 10 करने नहीं टोटल थानू 1 टू 75 आनगे फिलहाल बट फाइनल टर्म दे विच थानू सारे आनगे ठीक है 1 टू 75 राइट और सिलेबस बच्चे थानू रिवीजन टेस्ट 1 और 2 दा चला गया होया है सो दे अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू करो नेक्स्ट ट्यूसडे थोड़ा टेस्ट होएगा गूगल फॉर्म पे ठीक है सेम वही 2 बजे राइट और रिवीजन टेस्ट विच सबने कोशिश करनी है कि टेस्ट दिता जावे एब्सेंट ना होई हो 240 तक हुंदा है ठीक है उस अकॉर्डिंगली कोशिश करियो कि बहुत नहीं बेटा 40 मिनट बहुत हुंदे ने ओके देख लूंगी मैं ठीक है तो आज आप बहुत अच्छा करने ने उस तो बाद विच बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स असाइनमेंट करनी है ठीक है तो आप कितने सी 65 66 है चढ़ नेक्स्ट है चढ़ ए चढ़ नहीं है चढ़ है सज्जे दे नाल ठीक है हां गुड एक पत्ते चढ़ रहे हैं ठीक है एक चढ़ना फोर पतझड़ ओके वही हो गया पत्ते चढ़ने है ना ऑटम चढ़ना मींस चढ़ना हाँ गुड जो चढ़ी लगी ओ जो पतझड़ जाए जो बहुत ज्यादा क्लाउड्स होंगे और आपा कहने ना चढ़ आ गया बाहर मतलब कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होने वाली है ठीक है उन्होंने आपा कह रहे हैं और बदल कहने आपा वैसे चढ़ हो गया मतलब बदल हो गए तो ये दो ही बन रहे ने एक बदल एक चढ़ना चढ़ना विच रुखां दे पत्ते ले लो या तुसी जसा जसलीन कह रही है वालां दे ले लो जेड़ा भी मर्जी मतलब वो चढ़ रहा है ठीक है अगे है चुल्ल चुल्ल चुल्लना मतलब विंग बच्चा चुल्ल रहा है और चुल्ल वही हो गया चुलना स्विंग एक चुल्ल जिस तरह कई पर्सन है बड़ा वो थोड़ा लेजी जा होके चलता आपा कहने ना ढिला जा होके चलता पे उन्होंने भी आपा कह रहे हैं चुल्ल एक ता हवा बग रही है हवा चुल रही है एक बगना चुलदा बगना 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 हवा बग रही है बगना खिलना चुल रहे हैं पत्ते हवा दे नाल खिलना ओ नहीं लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते आप कहने हैं ना चुलदा पिया है ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਝੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਝੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ 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 ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਡੰਗਰਾ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੈਂਕਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾੜ ਚਾੜ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਹਾਂ ਚਾੜ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾੜ ਲਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਾੜ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਖੜ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਦੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਸਫਾਈ ਉਹੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨਾਗਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ये बड़ी ज्यादा झाड़ पैंदी है। ठीक है, नहीं मैं वैसे कह रही, मैं कि तुसी आंसर दिता ना इहदा, झाड़, बेइज्जती, फसल दी पैदावार, सफाई ते बेइज्जती। पैदावार, मतलब फसल दी जेड़ी है क्वांटिटी बहुत ज्यादा हुई, उन्हों आपा कहने झाड़, एक चढ़ना, एक बेजती। बेजती आप डांट भी तो कह ही सकते हैं ना, चाड़ दो, है ना, गुस्सा करना, हाँ हो सकता है। नेक्स्ट है टिक्की। साबन की टिक्की होंगी है छोटी जी, आलू की टिक्की होंगी है, खाण वाली टिक्की होंगी है, वो आलू की टिक्की, खाने वाली टिक्की सेम ले लो। सूरज नु भी आपा कहने ना, सूरज दी टिक्की चढ़ गई है, ओ टिक्की, ए टिक्की, ओ अजिया ऊपर अद्धक नहीं पैंदा, ओदे एक निक्की रोटी, आपा कहने छोटी दी टिक्की बना लो, निक्की रोटी। निक्की रोटी, तेल विच तल के खाण वाला पदार्थ हुई, खाण वाली टिक्की लिख लो, निक्की रोटी, खाण वाली टिक्की, गाची, उन्हों आपा कहने हैं साबन दी टिक्की या गाची, गाची या साबन दी टिक्की। हाँ जी, गाची। यही वैसे आप सूरज की जड़ी होंगी ना, सूरज चढ़ जाता आप भी कह रहे हैं सूरज की टिक्की, हाँ ओनू भी लिख सकते हो, वैसे तुसी सूरज की टिक्की भी लिख लो, क्योंकि कई बारी ऑप्शन विच आ जाए तो तुसी लिख सकते हो सूरज की टिक्की भी नाल लिख लो। एक फोर्थ लिखा हुआ है स्याही दी टिक्की। पहला पहला ना अजकल तो जेल पेन चल पे ना, पहला पहला वो आंदी होंदी सी, एदा थोड़ी हार्ड जी होंदी सी, ओदे नाल असी लिखदे होंदे सी, अच्छा चौक दी तरह ही होंदा सीगा, स्लेटी नहीं, स्लेटी दी तरह ही, मतलब ना इस तरह का होंदा सी चौरस जिहा कोई ब्लू कलर का, ओदे ते एदा करके पेन दे नाल खसा के ना ते असी लिखदे होंदे सीगे। ठीक है, ओनू कह दिंदे आ स्याही दी टिक्की, स्याही मतलब इंक। ठीक है, नेक्स्ट टिक्का। हाँ जी, तिलक, हाँ गुड, जड़ा सिर ते पाया जाता है टिक्का, एक तिलक, मथे दा गहना, ठीक है, राजकुमार, इथे लिखा राजकुमार, कल महाराजे दे बड़े पुत्र टिक्का कंवर साहिब दा जन्म दिवस मनाया गया, मतलब उधर टिक्का किता गया राजकुमार। तिलक, मथे दा गहना, आही दोनों लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट 71 टोटा। हाँ छोटे चावल, ओके गुड, टोटा, किसे छोटा जहा जिस तरह कपड़े का टुकड़, हाँ हिस्सा, गुड, हिस्सा कह लो। कहते वैसे वही हो गया, छोटे छोटे शरीर के टुकड़े, छोटा हिस्सा ही हो गया, हिस्सा या टूटे हुए चावल, हिस्सा या टूटे हुए चावल। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़े को पुरानी बुक पई है तो अगर कोई एक्स्ट्रा होएगा, मान लो हम टोटा का मीनिंग थोड़ी बुक में एक्स्ट्रा होएगा तो मैं दस जरूर दियो। नेक्स्ट है डोल। हाँ जी, भांडा, डोल भी कहते कई,
ਡੋਲੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਣਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਡੋਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਘਾਬਰਨਾ ਘਬਰਾਣਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ हां वैसे डोल बरतना वही इथे लिखा होया पांडा एक घबराना एक जख्म नो डोल पैनी मतलब जख्म जेड़ा है वो ओनु होया है तो थोड़ा जो उत्ते होर सट वगैरह लग गई एक पांडा जेदे विच दूध वगैरह ले आया जांदा है घबराना जख्म नो डोल पैनी ते पांडा हो गया नेक्स्ट हां जी जख्म नो डोल पैनी जख्म नो डोल पैनी नेक्स्ट है डंग डंग किसे दा भी सांप दा हो गया मक्खी दा हो गया ठीक है कटना वो डांग हुंदी डांग एक की है तुसी अपना डंग बहुत मुश्किल नाल चला रहे हो तुसी अपना डंग बहुत मुश्किल नाल चला रहे हो डंग मतलब गुजारा डंग मतलब कटना ते गुजारा या वेला गुजारा या वेला बड़ी औखे औखे सौखे हो के अपना डंग टपा रहा है गुजारा कर रहा है ठीक है हां जी नेक्स्ट है डंडी डंडी एक ता सोटी हाँ पूरन पूरन विराम कहते हैं आपा ओके गुड होर डंडी सोटी वो डंडी है डंडी नहीं है वो डांडी है ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਡੰਡੀ ਡਾਂਡੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸਟਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਡੰਡੀ ਟਾਣੀ एक गहना गहना भी बोलते हाँ आपा इनू निक्का रस्ता आपा कहने डंडी ओ डंडी हो जा निक्का रस्ता डंडी ओ डंडी आपा तुसी सुनिया नहीं होएगा वैसे कहंदे हन सुनिया होया है मैं ठीक है हाँ निक्का जा रस्ता इत्थो दी निकल जा फटाफट ठीक है तो सोटी टहणी गहना निक्का रस्ता ठीक है लास्ट टाल टाल टड्डे नाल हाँ 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 ओके हाँ स्लोप जी जड़ी हुंदी है टाल ओनो स्लोप नो भी कहंदे हाँ अच्छा समझ गई मैं तुसी ओनो कह रहे हो ओ जेदे विच एक राउंड तलवारा पाई होंगे ओनू भी आप ढाल कहने एक आसरा हो गया हाँ गुड मैं भी उही बोलने लगी एक आसरा तो आड़ी कोई बुरे वक्त दे विच ढाल बन के खड़ा हो ढाल एक है ढालना मतलब तुसी किसी भी चीज विच ओनू ढाल सकते हो शेप दे सकते हो एक ढालना एक ढलान उही स्लोप ढालना ਢਲਾਨ ਢਲਾਨ ਮੀਨਸ ਸਲੋਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਢਲਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਢਲਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਗੋਲ ਅਸਤਰ ਜਸਦੀਨ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਲ ਅਸਤਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਲ ਅਸਤਰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ 75 ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ 80 नहीं है बेटा 75 तक ही है
75 तक ही है। तो आज दे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर किसी नो आंदा होएगा तो प्लीज रेज योर हैंड। विचो विचो पूछा ना लो टोटा एक ता चावल दा एक छोटा जहा हिस्सा दो ही है ऐसे देखा ए दे विच नहीं लिखा होया है देखो इथे स्याही दे देखो किन्ने लिखे हुए है एक स्याही दी टिक्की टिक्की दे एक तले हुए आलू एक गोली एह जुकाम हटाउण दी टिक्की है जिहड़ी मेडिसिन हुंदी है ठीक है एक गाची एक सूरज दी टिक्की ओ मैं तुहानू पहले ही दस दित्ता एक निक्की जी रोटी डंडी दा ते हो गया ना फोर एक्स्ट्रा झाड़ आपां नहीं कीता ना चार दा कीता है देखो चार दा एक्स्ट्रा वाले चार दा बेटा मैं बोल रही हूँ एक ता सफाई सी एक छिड़कना ठीक है फसल दी पैदावार एक झाड़ी जड़ी जिया बोल रही थी पहला ठीक है झाड़ पई हुई है बोल रही सी जया सानू वेख के वो झाड़ विच झाड़ियां नहीं होंदियां झाड़ विच लुक गया झाड़ी एक लौणा मुंडिया ने कच्चे अंब ही झाड़ ले मतलब जिस तरह उपर लगे होंगे ने फल फ्रूट उन्होंने डंडे दे नाल झाड़ लेने ना आपां ठीक है होर असी एक्स्ट्रा केड़ा कीता है टिक्का टिक्का नहीं है इहदे विच डंग डंग भी नहीं है ਝੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਝੜ ਝੜਦਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਹੈ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਝੜਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਝੜਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਝੜ ਲਓ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲੱਥਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਡਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਝੜ ਚਿਰਾਗ ਝੜ ਝੜ ਝੜਨਾ ਪੱਤਝੜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਝੜ ਲਓ ਬੱਦਲ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਨੇ ਬੇਟਾ ਝੜਦੇ ਨੈਕਸਟ ਝੁੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਝੁੱਲ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਝੁੱਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਟ ਹਾਰਦਿਕ ਨਾਗਪਾਲ ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਝਾੜ ਝਾੜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਝਾੜ ਮਤਲਬ ਲੱਥਣਾ ਝਾੜੀ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਟਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਿਮਨ ਟਿੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਮਾਨੀ ਟੋਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਲੀਨ ਡੋਲ ਜਯਾ ਡੰਗ
ठीक है, डंडी, ऑनलाइन स्टूडेंट, डंडी, ऑनलाइन स्टूडेंट, डंडी, एक पूरन विराम, हाँ जी, छोटी टाणी, निक्का रस्ता और गहना, लास्ट केड़ा किता का टाल, सहारा, हाँ टलान, टालना, ओके ओके, हाँ गोल अस्त्र, बचा ली, हथियार, ठीक है, असाइनमेंट करिए। पहला भी आप कितने हुए ने, कितने क्वेश्चंस कितने सी असाइनमेंट दे, सिमन लिख दी हुंदी है, सिमन है ना, ओके चलो जी नेक्स्ट लिखो, ये पहला भी करवाए हुए ने थानू, जिन्ने हो गए सी आज, जिन्ने होए ओदे विचो दी, ज्यादा नहीं है, 10 की है। पहला लिखो, हेठ लिखा विचो डंडी शब्द दे बहु अर्थी नहीं है, डंडी शब्द दा बहु अर्थी नहीं है, एना लिखो, हेठ लिखे चाहे ना लिखो, डंडी शब्द दा बहु अर्थी नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस ने राहा गहना, सेकंड तिलक बूटा, थर्ड विश्राम चिन्ह, फोर्थ सोटी रा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं वाला आपका चुनना है, ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखो, ये सेंटेंस है, डॉक्टर ने जदों उसका पेट चाक किया, डॉक्टर ने जदों उसका पेट चाक किया, की आएगा वैसे इहदा, हाँ ते उस विचों पूरा चाक निकलिया, वाक विच चाक दे केड़े अर्थ ठीक हन, सेकंड वाला नहीं, इधर दो पेयर बनने ने, पहले पहली ऑप्शन सुनो, बागी या माजी, ठीक है, बागी या माजी, सेकंड है आंख लगनी या दुखनी, थर्ड है कपड़े दी मोरी, या शेक, फोर्थ है चीरना या लिखण वाला चाक, फोर्थ वाला सही होएगा, चीरना या चाक लिखण वाला, ठीक है, तीरना लिखण वाला चाक, डन। नेक्स्ट, ये भी सेंटेंस है, उसनु ज्यों ही जाग आई, उसने दुध नू जाग ला दित्ती, ये मैं शायद पहला भी बोल चुकी हूँ कल, है ना, जाग शब्द किन्ना अर्थां लई वरत्या गया है, पहला सुचेत या सही, नो
दूसरा भाग जागने या होश, तीसरा उद्यमी या उठ पैना, फोर्थ नींद खुलनी या जम्मण लाना, फोर्थ वाला। ठीक है, उसने ज्यों ही जाग आई मतलब ज्यों ही ओदी नींद खुली तो उसने जाग ला दिता मतलब उन्ने जम्मण ला दिता मतलब दही जमा दिता। नेक्स्ट बोला केड़ा शब्द टिक्की शब्द दे बहु अर्थक वजो नहीं वर्तिया जांदा, टिक्की 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 शब्द दा बहु अर्थक नहीं है। ऑप्शंस ने गाची है, सूरज दी टिक्की, निक्की रोटी, टिकना नहीं है। टिक्की दा क्यों होता है, टिक्की हुंदा है और टेको हुंदा है और टिक्की और अलग है वो बिना अदक दे हुंदी है। हां जी अदक मतलब स्ट्रेस आंदा जिथे ना। नेक्स्ट है केड़ा शब्द चार शब्द दे बहु अर्थक वजो नहीं वर्त्या जांदा, चार चार ऑप्शन ठग जाना ठगना बहु अर्थक वजो नहीं वर्त्या जांदा, पशु चारने घूमना 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 गिनती ए ऑप्शन ठग जाना। हाँ नेक्स्ट बोला चक शब्द का बहु अर्थी नहीं है, चक दंदी दंदी बाइट है, चुकना जाना इलाका, हाँ जाना नहीं है इलाका तो है ना चक नंबर 75 या कोई भी। ठीक है चक दा हाँ वही ना इलाका। ओके नेक्स्ट सुन लो ए बहुत दिते हुए ने थोड़ी बुक विच, अगर तुसी चाहो तो मेरी फोटो क्लिक करके थोड़े ग्रुप विच मैं पा दवांगी। ठीक है सॉल्व तुसी खुद करने ने राइट। ओके ठीक है डिस्कस कर लेने आपा टिक्का ए दा तुसी सही बहु अर्थी चुनना है, सही बहु अर्थी चुनना है दा टिक्का दा कड़ी दसना या तंग करना, दूसरा वक्त समा, तीसरा तात या रोब, फोर्थ कोई भी नहीं, क्यों सिक्का सिक्का, थर्ड ऑप्शन गुड, तात या रोब नहीं है, है सही ते तुसी निशान लाना सी ता सिक्का दा नहीं चलता भी मेरा बहुत ज्यादा सिक्का चलता है मेरा बहुत ज्यादा रोब चलता है या एक धात नहीं हुंदी सिक्का कॉइन ता वो है ते है कोई भी नहीं क्यों नहीं आना। नेक्स्ट घड़ी हुन ध्यान नाल सुनियो ऑप्शन ऑनलाइन स्टूडेंट घड़ी है हुन तुसी चूज करने हन सही वाले जागना जगराता सेकंड ऑप्शन सोना होश विच आना थर्ड बेफिकर लापरवाह फोर्थ वक्त या मुड़मुड़ फोर्थ वाला वक्त या मुड़मुड़। नेक्स्ट फेरा फेरा दा घड़ना बर्तन सेकेंड सकीम तरतीब थर्ड कोट मुड़ना फोर्थ चक्कर या कारण चक्कर या कारण गुड। नेक्स्ट डंडी
मुनि आपका रिसेंटली करके हटे हैं, दूर या कोल, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड करोड़ या मारना, थर्ड पहरावा या फैशन, फोर्थ गहना या टहनी, फोर्थ ऑप्शन। ओके अगला, अर्क दा एक अर्थ कूणी है, ठीक है, अर्क अर्क एड़ा रारा कक्का, एक अर्थ है कूणी, ते दूसरा की होएगा, की होएगा, वैसे अर्क दा मतलब की होंदा है, हां जी जूस, होर अर्क, ऑप्शंस ने पुराना, पैसा, दवाई या गलत, दवाई, दवाई। अगे सर दा एक अर्थ है फतेह करना, दूजा अर्थ दसना तुसी, काम करना, काम होना, काम लेना या कोई भी नहीं, काम करना, होना, लेना या कोई भी नहीं, काम करना, सर जाना, कंडा आपा नहीं किता है ना, फुल भी असी नहीं किता, हाँ ओके कंडा किता है, गुड। कंडा दा एक अर्थ है सूल, दूजा अर्थ पार, पानी, तक्कड़ या आत्मा, गुड तक्कड़। नेक्स्ट, खट्टी वाला आपा बहुत बारी कर चुके हाँ, दोबारा नहीं करना, चाक, 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 लिखण वाला पेन, नौकर या लिखण वाला, दोनों ने, एक लिखण वाला पेन फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है नौकर या लिखण वाला, थर्ड है चार या कटना, फोर्थ है ब्लैक बोर्ड, हाँ गुड, लिखण वाला पेन तो होएगा ही होएगा, पर ओदे नाल एक होर जिहड़ी सेकंड ऑप्शन सी ओदे विच सीगा नौकर या लिखण वाला, सो नौकर या लिखण वाला सही होएगा आंसर, ठीक है। हार, सेकंड लास्ट, हार, हार दा वैसे है कि हुंदा है बहुत ही, गहना, फुल्लां दा हार, हार, फुल या हारना, गहना या हारना, सोना, जितना, नाराज, गहना या हारना। लास्ट, लास्ट, कोट, दूर, कोट, कोट, दूर, सेकंड ऑप्शन कोटना या करोड़, थर्ड है पहरावा या किला, फोर्थ है पहरावा, पहरावा या किला, ए वाला आएगा, ठीक है। सो बहुत ही थोड़े हो गए ने रिवाइज, कल आप करांगे जफरनामा एकांगी।